खाली ना बाटी खाली वीडियो बना छे बैठो 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 तुम यार बैठो 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 एक चेयर की बाकी ऑफिस से बैठेगा सब कुछ अरे दादी जमशेदपुर का वह भूतनाथ मंदिर जो सुनारी साई मंदिर के बगल में है, यहाँ पर अनेक भक्त आते हैं अपनी मन्नत पूरा करने के बाद। वह भक्त का भंडारा चल रहा है। आंदोलनकारी झारखंड आंदोलनकारी में बहुत जन आंदोलन किए हैं तब जाकर झारखंड मिला है। बहुत जन शहीद हुए हैं, बहुत जन का घर बर्बाद हुई। झारखंड आंदोलनकारी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम पद इनको मिला हुआ था, केंद्रीय लेवल से, प्रखंड लेवल से और जिला लेवल से। लेकिन वह झारखंड आंदोलन के समय उन्होंने देखा गरीबी क्या होता है। झारखंड आज भी गरीबी है, आज भी किसी को खाने के लिए नसीब नहीं होता। तो झारखंड सरकार के द्वारा जितने भी आंदोलनकारी है उनको कैटेगरी बाई कैटेगरी में पैसा और पेंशन दिया जा रहा है। तो अरविंद कुमार जी का नाम झारखंड आंदोलनकारी में 3500 रुपया का पेंशन इनको झारखंड सरकार की तरफ से इनको अकाउंट में मिला। जैसे इनको अकाउंट में मिला उन्होंने भगवान दा उससे हमको पैसा आ रहा है। झारखंड सरकार का जो पैसा हमें पेंशन में मिल रहा है वह हम समाज में खर्चा करेंगे। और इसी क्रम में भूतनाथ मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं कि यह भोजन या भोग का प्रक्रिया चालू किया। पहले वह भोग बनाया गया, भगवान को भोग लगाया गया और उसके भोग को सभी को भोग कराया गया। और यह जो 3500 है मंदिर में या भोजन कराया जाएगा या भोग कराया जाएगा। तो अरविंद कुमार जी बात करना चाहते हैं, कितना खुशी है। शुरू से ही झारखंड आंदोलन में रहा, करीब 82-83 LBS कॉलेज में जब पढ़ता था उसी समय मुझे झामुमो में संपर्क में आया और उसमें से मैं इस राजनीति में जुड़ गया। वहाँ भी चंपाई सोरेन लोग सब हम लोग आते थे, कृष्णा मार्डी लोग रहते थे, सब कोई हम लोग रहते थे वहाँ पे। तो वहाँ से शुरुआत हुई। मैंने इस आंदोलन को करते हुए मैंने देखा कि काफ़ी गरीब लोग हमारे झारखंड में लोग हैं, तो उन लोगों का उत्थान के लिए हम लोग झारखंड अलग राज्य करना चाह रहे थे। और उसके हमने तरह तरह के हम किए, कभी कंपनी को जाम की, लोग जो थे कार्यकर्ता थे नेता थे सब केस भी खाए। उसी क्रम में मुझे भी केस मिला, मुझे भी जेल जाने ले भेज दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग को उसमें कुछ पता नहीं था कि जेल जाने से हम लोग आगे क्या आएगा, पेंशन आएगा क्या। हम लोग एक उमंग था उसमें झारखंड अलग राज्य करने का, हम लोग कर रहे थे उसको। और उसी क्रम में हम लोग अपना जब झारखंड अलग राज्य हुआ, अलग राज्य के क्रम में मैं शिबू सोरेन जी के साथ, शैलेंद्र महतो जी, कृष्णा माड़ी सबके साथ मैं पार्लियामेंट में भी मौजूद था और राज्यसभा भी में भी मौजूद था। और उन लोग के मेरे सामने देखते देखते बिल पास हो गया दोनों सदनों से। तो उसमें फिर मैंने जब अलग राज हुआ उसके बाद हमारी सरकार बनी, बहुत सारे सरकार बने, बीजेपी के सरकार बने। लेकिन देख रहा हूँ कि गरीबों की स्थिति उसमें अभी उतनी अच्छा कि इस गरीबी को देखते हुए कि चलो अब हमारी सरकार हुई है। और इस सरकार में मुझे आंदोलनकारी का एक चिन्हित किया गया तो मुझे लगा कि ये 3500 रुपया जो मेरे को आएगा, मैं इस पैसे को अगर मैं किसी गरीब लोगों को खिला दूं तो कम से कम मेरे तरफ से एक दिन का कम से कम उनको खाने का मौका मिलेगा, उनके पेट भरेगी, उनकी संतुष्टि आएगी। यही सोच के मैंने इस प्रण किया कि हर एक महीना में दूसरे शनिवार को मेरे तरफ से भूतनाथ मंदिर सर्किट हाउस में जो है वहाँ पे इसी क्रम में हर एक मंदिर महीनों में खिलाया जाएगा। और ये पहली बार मुझे आया है, आज शुरुआत किया गया है और इसी महीना मुझे पेंशन आया था तो मैंने आज शुरुआत किया है और ये आगे भी जारी रहेगा। चलिए, आप भी आंदोलनकारी है, आप भी संघर्ष किए हैं, वह दिन आज भी गरीबी है। कितना अच्छा लग रहा है कि आपके साथी आपके लोग आज वह उसको भोग खिला रहे हैं वह पेंशन का पैसा से। मैं मानको कोषाध्य झामुमो का उज्ज्वल कुमार दास और मुझे खुशी लगा कि
आंदोलनकारी नेता जो हमारे हैं अरविंद कुमार जी, जो पेंशन आते साथ वो बहुत अच्छे विचार किए, जो पैसे आए हैं और गरीबों के बीच में हम दान कर देंगे। और ये पहला, इतने आंदोलनकारी नेता में पहला बार मैंने सुना, और हमको लगता है कि पहला व्यक्ति हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला के पहला व्यक्ति। और हम तो चाहता हूँ कि अगर जो सक्षम हो जाते हैं जो, तो अपने वो गरीब के जो पैसा आ रहे हैं वो गरीबों में दान करना ही एक उचित है। इस तरह से बहुत सारे आंदोलनकारी नेता हैं, मगर अभी तक तो हमने सुना नहीं, मगर पहला व्यक्ति जो है अरविंद कुमार जी जो है वो बहुत अच्छे काम किए हैं, और आगे जाके बोले हैं कि हर महीना जो पेंशन का जो पैसा आएंगे हर महीना वो दान करते रहेंगे। मेरे को सुन के अच्छे लगे, और आगे जाके और भी अच्छे काम करेंगे। और अरविंद जी जो है समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और गरीबों के बीच में हमेशा जुड़े हुए हैं। आंदोलनकारी है हम लोग में, सब में बहुत कम मिल रहा है, इन हम लोगों में सबसे ज़्यादा सक्षम है, और इसीलिए खुशी से ये खिला रहे हैं। खुशी से खिला रहे, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, झारखंड में प्रथम व्यक्ति इस तरीका का काम कर रहे हैं अरविंद जी, और हमेशा बोल रहे हैं कि ये हमारा जो भी हाँ हमेशा माने कि वो हर प्रत्येक माह का पैसा माने कि गरीबों को खिलाएंगे बोल रहे हैं। मैं प्रथम व्यक्ति है इस तरीका का काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात। अरविंद जी प्रथम व्यक्ति है झारखंड आंदोलनकारी के जो अपने पेंशन का पैसा को जनता के प्रति, समाज में लेके आ रहे हैं भोग के प्रति। वह शादी जो आज इवेंट बन गया है और करोड़ों रुपया का खर्चा किया जाता है बेफालतू का खर्चा दिखावा के लिए, और वह भी नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। जरा सोचे वह शादी से कुछ पैसा निकाल के अगर गरीबों को दिया जाए, क्योंकि भारत देश में आज भी दो टाइम का खाना, तीन टाइम का खाना बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि अरविंद कुमार जी एक सहयोग कर रहे हैं, इससे आपको सीखने की जरूरत है कि बेफालतू का जो पैसा है वो आप गरीब में दान जरूर कीजिए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को और सभी को धन्यवाद।